हो गया। हाँ ये गला मतलब श्री बिमल कुंड की, श्री बिमल महाराज की, ईसाई गौर ब्रह्मानंद हम लोग ने ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं श्री विमल कुंड है, इसका नाम जो विमल कुंड है लीला की, विमल मतलब होता है पवित्र वशुद्ध, उन्होंने लीला की, इसलिए इस स्थान का नाम भी विमल कुंड। और यहाँ पर श्री विमल बिहारी कृष्ण भी है, और दूसरा नाम है एक विमल नाम का कोई एक राजा थे, ये सत्ययुग में कहते ये चंपक नगर का राजा थे, लेकिन इनके 6000 रानियाँ थी, क्योंकि सोच रहे थे घर में कोई संतान हो, इसलिए उन्होंने 6000 पत्नियों से उन्होंने शादी की, लेकिन एक ऋषि की कृपा से इनकी कन्या भी 7000 इनकी कन्या भी हुई है, लेकिन वो कन्या सबके सब लक्ष्मी अंश से ये कन्या हुई है। अभी ये कन्या को शादी देने के लिए उन्होंने सोच रहे थे कन्या को हम शादी दे, तो ये कन्या को शादी कहाँ दे, तो उनको पता चला ये जो कन्या है यदि पूर्वजन्म में ये कन्या कौन थी, बोले ये सबके सब श्री जनकपुरी के ये सब सीता जी की ये सबके सब सहेलियाँ थी, सब जनकपुरी की किशोरिया थी। जिस समय भगवान राम जनकपुरी में पहुँचे और अपना विश्वामित्र जी के आदेश को लेकर के बोले हम थोड़ा जनकपुरी को दर्शन करना चाहते हैं, विश्वामित्र जी ने कहा दर्शन करना नहीं, सबको दर्शन दे करके आओ। जब जनकपुरी को प्रभु राम और लक्ष्मण गए, इतने सुंदर थे, जिस गली में जाए उसी गली में श्री राम लक्ष्मण की जय, सब जगह में जय जयकार हो रहा था, ऐसे लग रहा था मानो एक साथ में चंद्र और सूरज ये दोनों प्रकट हो गए हैं। अभी कुछ किशोरियाँ तो खिड़की से दर्शन कर रही थी, जिनको ये दर्शन हो रहा था, लेकिन कुछ जो किशोरियाँ थी ये सबके सब छत के ऊपर में खड़ी होकर के दर्शन कर रही थी, लेकिन उनका दर्शन ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भगवान राम का एक स्वभाव था वो कभी भी सर को ऊंचा करके नहीं जाते थे, हर समय सर को नीचा करते हुए जाते थे, क्योंकि भगवान राम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम है। अभी छत के ऊपर में जो खड़ी हुई थी अभी वो प्रभु राम का दर्शन नहीं हो रहा था, क्यों सर नीचे करके चल रही थी। इतने में उन लोगों ने थोड़ा खांसे, सोचो हो सकता है प्रभु थोड़ा ऊपर देखेंगे तो क्या होगा, अरे प्रभु का दर्शन हो जाएगा, लेकिन प्रभु देखे ही नहीं। लेकिन पीछे लक्ष्मण भी चल रहे थे, कहते लक्ष्मण कौन, बोले ये गुरुदत्व है, बोले गुरु जी का काम क्या है, बोले जीवात्मा को भगवान से मिलाना, ये जीवाचार्य है, ये जीव को भगवान को साथ में मिलाने का काम श्री लक्ष्मण जी का। इतने में लक्ष्मण जी प्रभु राम से बोले प्रभु देखो आपके सब सखियाँ ऊपर में खड़ी होकर के आपको दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए आप थोड़ी सी सर को ऊँचा करके दर्शन दो। भगवान राम बोले लक्ष्मण ये जनकपुरी है, मायापुरी है, खबरदार इधर उधर देखना नहीं, सीधा सर को नीचा करके आगे चलो। लेकिन फिर जब थोड़ी दूर गए फिर वो सखियाँ दर्शन करने के लिए फिर भी थोड़ा खांसे, तो इतने में फिर लक्ष्मण जी प्रार्थना किए बोले प्रभु एक बार दर्शन दे दो। इसलिए श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दया माया एहे ना पामर प्रति हावे ना सदाया, बिनो देर निवेदन वैष्णव चरणी कृपा करि संगे लाहा हे या किंचानी। जब हमारी होकर के जब कोई वैष्णव भगवान से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी ये जीव को पर में कृपा करो, भगवान को प्रार्थना सुनना ही पड़ता है, इसलिए उन्होंने जब उन्होंने थोड़ा ऊपर में देखे प्रभु का रूप दर्शन करते हुए सबके सब ये बेहोश हो गए। जब उनकी होश आई सबके सब प्रभु राम को पीछे पड़ गए, बोले प्रभु हमसे शादी कर लो। भगवान राम बोले लक्ष्मण पहले से मना कर रहा था, देखना नहीं, देखा है ना पीछे पड़ गए, बोले देखो तुम सब के सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ,
कदी जनकपुरी के जितने सब सब किशोरिया थी यही ये बिमल महाराज की बेटी ये सब बनी है, हैं बिमला महाराज की सब बेटी बनी। बेटी बनते इनकी भावना क्या थी, भगवान राम से विवाह करना, राम कलयुग में भी श्याम बन करके आए हैं, हैं इसलिए जब बिमल महाराज आ रहे थे अपना बेटी को उपयुक्त पक्ति देखने के लिए, बीच में पितामह भीष्म जी को साथ में मुलाकात हो गई। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हमारी बेटी की उपयुक्त पति ढूंढने के लिए। बोले भगवान कृष्ण वृंदावन में जन्म ग्रहण किए, अब वृंदावन में जाओ, भगवान कृष्ण से ही मिलो, उनसे ही अपना बेटियों की शादी कराओ। तब उनकी भीष्म की आदेश को पाकर के विमल महाराज आए, और उन्होंने और कहाँ पर गए, चंपक नगर में कृष्ण स्वयं गए और उनसे शादी किया। उनको शादी करके उन्होंने फिर उनको वृंदावन में उनको लाए, ला करके और ये जो कुंड दर्शन कर रहे हैं, ये कुंड में ठाकुर जी ने विमल, विमल मतलब पवित्र बा शुद्ध, उन्होंने लीला यहाँ पर की है, इसलिए ये कुंड का नाम पड़ गया विमल कुंड नाम पड़ गया। और इसलिए कृष्ण का एक नाम भी विमल बिहारी, वो जो मंदिर सामने है ना, विमल बिहारी, इसलिए भगवान कृष्ण का विग्रह भी यहीं पर है। और उन्होंने यहीं पर सुंदर सुंदर लीला की थी, कहती ये एक घटना है। तो दूसरी घटना आती है जो चातुर्मास्य में पृथ्वी का सारे तीर्थ वृंदावन में आते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा को पाने के लिए। कहते ना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, बोले केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिन की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। कहते स्वर्ग अपवर्ग हम ले करे करेंगे क्या, जानता नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए यहाँ पर पृथ्वी का सारे तीर्थ भगवान राधा रानी और कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए सब के सब आते हैं। लेकिन जो पुष्कर है वो बड़े अभिमान, हम क्यों वृंदावन जाएंगे, हम वृंदावन नहीं जाएंगे, हम क्या इतना कमी, हम किस चीज़ की कमी जो हम वृंदावन जाएंगे। उन्होंने नहीं आए, नहीं आए तो यहीं पर ही भगवान कृष्ण उन्होंने पुष्कर को उन्होंने स्मरण किया। स्मरण करती जो नदी है ना, जो तालाब है ना, यहाँ पर स्वयं पुष्कर राज, यहाँ पर एक नए पुष्कर राज प्रकट हो गए। कहते वो जो पुष्कर है, वो पुष्कर में स्नान करने का जो महत्व पता है, अगर इसी कुंड में कोई स्नान करना उसको छः गुण ज़्यादा महत्व है ये कुंड में स्नान करने का, क्योंकि इसमें एक तो पुष्कर है और पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है ना, कहते ये कुंड में ये सारे तीर्थ इस कुंड में विद्यमान है, इसलिए इसका आचमन लेने का, स्नान करने का इसका विशेष विशेष महत्व है। यहीं पर पुष्कर जी यहीं पर प्रकट हुए और कृष्ण अपना महिषियों को साथ में, गोपियों को साथ में कुंड में उन्हें सुंदर सुंदर ठाकुर ने इसमें लीला भी की है। इसलिए विमल विमल लीला की, पवित्र लीला की, इसलिए कुंड का नाम भी विमल कुंड, इसका नाम भी विमल कुंड है। इसलिए ये आसपास में 84 खम्बा 84 तीर्थ और पता नहीं चारी तरफ में कहते बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग यहाँ पर आ करके राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए चारी तरफ में सब बैठ कर भजन कर रहे हैं। यहाँ पर आप सब मंदिर देखे हो, राधा मदन मोहन जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, गोविंद देव का मंदिर, गोपाल जी का मंदिर, चारों तरफ में ठाकुर जी का मंदिर ही मंदिर यहाँ पर है। इसलिए इस स्थान को भी वल्लभाचार्य अभिन्न वृंदावन कहा करते थे, ये वृंदावन इसको बोलते थे। लेकिन कहते हैं हमारे, लेकिन महाप्रभु महाप्रभु का परिकर बोल ये वृंदावन है नहीं, लेकिन ये काम्य वन है। कृष्ण यहाँ पर सुंदर हैं, उन्होंने अपना काम मतलब अपना प्रेम को उन्होंने लीला की है, प्रेम लीला की है, इसलिए काम्य बने हैं। क्योंकि जो वृंदावन में यमुना किनारा, यहाँ कहाँ यमुना है, कृष्ण जहाँ पर चिरी चुरा यहाँ पर कहाँ पर है, कैसी घाट यहाँ पर, कैसी घाट कहाँ पर है, यहाँ पर सब स्थान कहाँ है, इसलिए यहाँ पर वृंदावन नहीं। लेकिन इसको जो वल्लभाचार्य उनका जो पुष्टि मार्ग के लोग इसको वृंदावन धाम रूप में इसको मानते हैं, लेकिन यहाँ पर भी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन है और जहाँ पर ठाकुर हो तो वृंदावन है ही हैं, इसलिए वो लोग इसको वृंदावन मानते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो वृंदावन धाम है, हम जहाँ से आए हैं वो वृंदावन धाम से, वो ओरिजिनल वो वृंदावन धाम है। इसलिए स्थान हर दृष्टिकोण से गुरुदेव ने जो ब्रजमंडल परिक्रमा जो निकाले ना,
आप उसको पढ़ करके देखोगे सारे तीर्थ है, कितना तीर्थ है, 84 खंबा 84 तीर्थ का नाम कितने सारे यहाँ पर विद्यमान है। इसलिए स्थान हर दृष्टिकोण से ये स्थान पवित्र स्थान है। बोले श्री विमल कुंड की, बोले श्री विमल बिहारी की, बोले तीर्थराज पुष्कर की, इताई गौर प्रेमानंद।